हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी सेकंड लेक्चर में जब हमने बातें की थी तो हमने बातें की थी बेटा जी यहाँ पे कि क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। मैं फिर दोबारा कहूँगा, एक बार पॉज करके उनको दोबारा देख लेना यहाँ पे कि क्या वो वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक अगले टॉपिक के यहाँ पे कि जो फादर ऑफ द जेनेटिक्स है उसका नाम था जॉर्ज मेंडल। उसने काम किया था पी प्लांट के ऊपर। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो कि पी प्लांट को चूज करने के मेनली रीजंस क्या थे। तो आपने ये कहा था पी प्लांट की जो लाइफ होती है वो क्वाइट शॉर्ट होती है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं पर जनरेशन वो भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आपने कहा था कि वो जो प्लांट उसमें इजिली कंट्रोल कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। फोर्थ कहा था आपने यहाँ पे उसमें इजिली अवेलेबल हो जाएंगे प्योर लाइन, यानी कि प्योर प्लांट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपने ये कहा था वहाँ पे कि हम मेनली वहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के आपके अवेलेबल है, कुछ ऐसी बातें हुई थी वहाँ पे। लास्ट क्लास आपने जाना यहाँ पे करेक्टर ट्रेट में क्या डिफरेंस है। जब मैं किसी फिनोटिपिक अपीयरेंस की बात करूंगा, किसी मॉर्फोलॉजिकल चीज की बात करूंगा, तो वो बन जाएगा करेक्टर। जैसे आपने कहा था हाइट इज ए करेक्टर, बट वो टॉल है या ड्वार्फ है, जो इनहेरिटेड होने वाला है मैं कहूंगा वो उसका क्या है बेटा जी, एक ट्रेट है। तो पहले हम बातें करते हैं, मेंडल ने जब काम किया पी प्लांट पे तो उसने पी प्लांट को जब चूज किया तो पी प्लांट के कुछ करेक्टर उसने नोटिस किए थे। अब दोबारा वर्ड को सुनना, उसने पी प्लांट के कितने करेक्टर ऑब्जर्व किए थे हम उनकी बात करते हैं। तो मैंने ये टेबल बना रखे हैं यहाँ पे आपकी कि पी प्लांट के करेक्टर क्या क्या थे। तो मैं यहाँ कहूंगा सबसे पहले ये तो मैंने सीधा नंबर डाला हुआ है, फिर मैंने डाले हुए करेक्टर उसने क्या क्या चूज किए थे। फिर हम बातें करते हैं वहां पे कौन तो डोमिनेट था, कौन वहां पे रिसेसिव था, उसने उन दो वर्ड की बातें की। एंड लास्ट में बातें करूंगा ये क्रोमोसोम किस नंबर पे पड़ जाए, ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे थे। हम दोबारा वर्ड की बातें करते हैं, पी प्लांट उसने सिलेक्ट किया, उसने पी प्लांट जो सिलेक्ट किया उसके पास होते हैं 7 pair of chromosome। उसके पास कितने क्रोमोसोम बेटा जी आपके यहाँ पे 7 pair of chromosome। तो उन 7 pair यानी कि 14 chromosome में 7 pair में उसने जो 7 character चूज किए वो किस किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, वो बातें मैंने साइड में आपको इंडिकेट कर रखी है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की यहाँ पे। उसने जो पहला करेक्टर सिलेक्ट किया वो करेक्टर था बेटा जी यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट। और उसने कहा जो हाइट होती है उसमें दो ट्रेट अवेलेबल है, या तो क्या है बेटा जी टोल या फिर क्या है यहाँ पे ड्वार्फ। तो उसने क्या टोल जो वो तो डोमिनेंट है, ड्वार्फ जो वो है आपका रिसेसिव। अगले उसने बात की यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन। अब आप लोग ऐसा कहते हो, आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि सर ऐसी आपने कहानी पढ़ाई थी यहाँ पे जिसमें आपने कहानी का नाम रखा था कॉर्पस टूनिका थ्योरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगी ऐसी थ्योरी पढ़ी थी आप लोगों ने कॉर्पस टूनिका थ्योरी, जहां पे आपने ये कहा था ये जो टिप होती है यहाँ पे बैठी होती है एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल। आपने नाम रखा था सैम, फुल फॉर्म थी यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम, जो अपने आप को बार बार डिवाइड करती है और ग्रोथ ऑफ द प्लांट में हेल्प करती है। जब तक प्लांट की हम बातें करते हो अपने फेज में वेस्टेटिव फेज में, जब तक लगातार डिवाइड करती रहेंगी और न्यू सेल्स को न्यूरस करके अगर प्लांट की हेल्प करेगी ग्रोथ में, पर जैसे ही प्लांट अपने वेस्टेटिव फेज को खत्म करेगा और एंटर करेगा रिप्रोडक्टिव फेज में, वैसे ये सैम जो होती है बेटा जी ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है, ये अपने आप को डिफरेंशिएट करती है और ये जो सूट थी बेटा जी ये मॉडिफाइड होकर बन जाएंगे यहां पे आपकी रिप्रोडक्टिव एपेक्स। बच्चा क्या बन जाएगा आपके यहां पे रिप्रोडक्टिव, मतलब आप ये कहते हो एंजियोस्पर्म में फूल का आना इस बात का इंडिकेशन करता है कि वो प्लांट जो है वो एंटर कर चुका अपने रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। तो मैंने कहा अभी तक ये एपिकल डिवाइड कर रही थी और अभी क्या बन गई, फूल बन गई। तो आपने कहा सर इस तरह से अगर टिप के ऊपर फूल आएगा तो ऐसे आप कह रहे हो सर ये प्लांट है और उसके टिप के ऊपर फूल आ गया, तो मैं कहूंगी ये फूल की पोजीशन जो होगी बेटा जी वो कहलाएगी टर्मिनल। क्या कहलाएगी टर्मिनल। आप ही कैसे पीछे हमारी ये कुछ मेरिस्मेटिक सेल रहेगी, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे फूल पैदा होता है तो आप कहते हो ये जो मेन एक्सिस की जो ऐसा एंगल बनता है आप कहते हो एक्सेल होता है। तो फूल के आने की दो पोजिशन आप लोग बातें करते हो, या तो आएगा टिप पे, टिप पे आएगा तो कहूंगा वो फूल क्या कहलाएगा टर्मिनल फूल की पोजिशन, और आपने कहा या तो एक्सिस पे आएगा तो वो पोजिशन कहलाएगी बेटा जी आपके लिए यहाँ पे एक्सियल पोजीशन। तो दो तरह की पोजीशन होती है, या तो कैसी कैसी टर्मिनल या फिर कैसी होती है यहाँ पे एक्सियल, दो तरह की पोजीशन है यहाँ पे। इनमें से डोमिनेंट पोजीशन का जो करेक्टर वो क्या है बेटा जी यहाँ पे एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। अगर फूल आता है पी के प्लांट में टिप के ऊपर तो वो आना कैसा करेक्टर है बेटा जी यहाँ पे रिसेसिव है, जबकि अगर वो एक्सिस पे आता है तो वो कैसा है यहाँ पे आपका डोमिनेंट करेक्टर है। अगले वर्ड में चलते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका फ्लोर की पोजीशन आपका हो गया। अगला वर्ड आता है पोड की शेप।
इस वर्ड का क्या मतलब है, आप जब मटर खरीद के लाते हो मार्केट से, तो ये देखते हो जो मटर की फली है वो पूरी भरी हुई है, वो अंदर से खाली है। अगर वो पूरी अंदर से भरी हुई है तो मैं कहूंगा वो वाला कंडीशन है बेटा जी इन्फ्लेक्टेड, और अंदर से अगर वो खोखला है उसमें कम मटर के दाने है तो मैं कहूंगा वो कंडीशन कैसी है बेटा जी आपकी कॉन्स्ट्रक्टेड वाली। तो मैं कहूंगा इन्फ्लेक्ट वाला जो होता है वो होता है बेटा जी आपका डोमिनेंट, और कॉन्स्ट्रिक्ट क्या होता है बेटा जी आपके रिसेसिव। अब आप एक बातें कर रहे हो तीनों के तीनों करेक्टर बेटा जी जिस क्रोमोजोम पे पर जाए तो क्रोमोजोम का नंबर है बेटा जी फोर्थ, वो नंबर कौन सा है यहाँ पे फोर्थ। अगले वर्ड पे चलते हैं, आपने अगला करेक्टर सुना बेटा जी फ्लावर का कलर। अब फूल जो पी प्लांट में होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक फूल का नाम होता है बेटा जी वॉयलेट कलर, एक का नाम होता है व्हाइट। यहाँ पे वॉयलेट का डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है बेटा जी व्हाइट है। अगला आप कहते हैं सीड का कलर कि जो मटर का दाना है वो कैसा होगा, अगर वो येलो कलर का है तो वो डोमिनेंट है, और अगर वो ग्रीन कलर का है तो कैसा है यहाँ पे रिसेसिव। और ये दोनों कैरेक्टर भी प्रेजेंट है ऑन द नंबर फर्स्ट क्रोमोजोम। मैंने कहा शुरू के तीनों कहां पे ऑन द फर्स्ट क्रोमोजोम, और अगले जो दो आपने पढ़े वो कहां पे है बेटा जी ऑन द फर्स्ट क्रोमोजोम। अगला वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे सीड का शेप। आपने सुना है सीड जो दिख रहा है वो है कैसा है यहाँ पे राउंड है रिंकल्ड है, तो उसके फिर दो वर्ड आते हैं यहाँ पे राउंड जो है बेटा जी वो तो क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है, और रिंकल्ड है बेटा जी वो यहाँ पे क्या है आपका रिसेसिव। और ये जो जीन है प्रेजेंट ऑन द सेवंथ क्रोमोजोम, ऑन द सेवंथ क्रोमोजोम। अगला मैंने बोला यहाँ पे पोड का कलर, जो मटर की फली आ रही है जो घर लेके आ रही हो उसका कलर कैसा है, तो आपने कहा या तो वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे ग्रीन है या फिर वो कैसा है येलो है। अब यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हमेशा याद रखना है, मैंने दो कलर सेम सेम दिए, मैंने कहा सीड का कलर डोमिनेंट क्या है बच्चा येलो, देखो यहां पे मैंने कहा सीड का कलर डोमिनेंट है कौन येलो, वहीं पे पोड का कलर डोमिनेंट है कौन ग्रीन। ये दोनों आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पे, ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है यहां पे बोर्ड में पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है दो नंबर में, मेंडल ने एक क्रॉस परफॉर्म किया फॉर द फ्लावर कलर, तो आप वो करके दिखाइएगा। अब वो ये नहीं देगा फ्लोर का कलर क्या लेना है आपको, उसमें कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, आपको खुद मेंडल के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करना है यहाँ पे आपका। वो कभी नहीं बताएगा आपको कि वॉयलेट डोमिनेंट है या व्हाइट डोमिनेंट है या इनमें कौन डोमिनेंट है, ये आपको अंडरस्टूड लेके चलने, क्योंकि सात करेक्टर आपको याद रहने चाहिए बेटा जी। दोबारा बातें देख लो यहाँ पे हाइट को लेकर डोमिनेंट कौन है टॉल है, रिसेसिव कौन है ड्वार्फ है, फ्लोर की पोजीशन डोमिनेंट कौन है बेटा जी एक्सेल है, तो टर्मिनल क्या है रिसेसिव है, पोड की शेप को लेकर डोमिनेंट है इन्फ्लेक्टेड, रिसेसिव कौन है बेटा जी को कॉन्स्टिक, फ्लोवर के कलर को लेके डोमिनेंट कौन है वॉयलेट, रिसेसिव क्या है बेटा जी व्हाइट। आपने कहा सीड का कलर का डोमिनेंट कौन है येलो एंड रिसेसिव कौन है ग्रीन। आपने कहा सीड की शेप का डोमिनेंट कौन है राउंड और रिसेसिव कौन है यहाँ पे रिंकल्ड, एंड द लास्ट पोड के कलर का डोमिनेंट कौन है बेटा जी ग्रीन और आपका यहाँ पे रिसेसिव कौन है येलो। और ये प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर फिफ्थ, ऑन द फिफ्थ। तो यहाँ पे मेनली चार क्रोमोसोम के ऊपर सारे के सारे जीन प्रेजेंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तीन तो ऑन द फोर्थ है, दो ऑन द फर्स्ट और एक साथ पर एक पाथ पे, ये है क्रोमोसोम नंबर जहां जहां पे करेक्टर आपका अवेलेबल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेंडल ने जब क्रॉस किया तो हाउ मेनी ट्रू लाइन मेंडल ने सिलेक्ट की होगी, मेरे वर्ड को सुनना, मेंडल ने जब काम शुरू किया तो कितनी ट्रू लाइन सिलेक्ट की होगी। तो आपने एक वर्ड बोला था प्योर लाइन एंड ट्रू लाइन होता क्या है, कोई भी ऐसा प्लांट दैट अंडरगो सेल्फिंग फॉर द सेवरल जनरेशन एंड ऑलवेज प्रोड्यूसेस स्टेबल फिनोटाइप, आप ऐसे प्लांट को क्या कहते हो बेटा जी ट्रू प्लांट कहते हो या आप कहते हो प्योर प्लांट है। अब मेंडल ने अगर सात करेक्टर पकड़े हैं तो हर करेक्टर में दो ट्रेट है टॉल और ड्वार्फ, तो मैं कहूंगा कितनी उसने ट्रू लाइन सिलेक्ट की थी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो आपका आंसर होगा 14। आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 14, क्यों आना चाहिए भाई सात तो अब सोचो ना सात करेक्टर है तो सात डोमिनेंट है तो सात रिसेसिव है, उसने जब पी प्लांट लिया होगा तो एक बड़ा लिया होगा एक छोटा लिया होगा, तो मैं कहूंगा एक करेक्टर के लिए दो प्लांट हो गए दो ट्रू लाइन हो गए, ऐसे ही फिर आपकी फ्लोर पोर्शन के लिए दो ट्रू लाइन होगी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसे टोटल ट्रू लाइन उसने कितनी यूज की बेटा जी यहाँ पे 14 ट्रू लाइन यूज की। आपको मैंने लास्ट एक वीडियो में बोला है पी जनरेशन स्टैंड फॉर द डबल पी, वन पी स्टैंड फॉर द पेरेंट, वो प्लांट है जो ब्रीडिंग के प्रोसेस को शुरू करेगा। दूसरा आपने कहा था पी स्टैंड फॉर प्योर एंड ट्रू, इसका क्या मतलब था वो हमेशा होमोजाइगस प्लांट होता है, उसके अगर आप कभी भी सेल्फिंग कराओगे वो हमेशा एक स्टेबल फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेगा। तो आपने ये कहा ऐसी टोटल मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक या दो नहीं 14 ट्रू लाइंस को सिलेक्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगला वर्ड आता है यहाँ पे मेंडल ने काम कब से कब किया था, मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था बेटा जब यहाँ पे 1856 से 1863 तक। दोबारा वर्ड को रिपीट करता हूं 1856 से 1863 तक,
फॉर द 7 ईयर्स। अभी 2-3 साल पहले ही नीट में क्वेश्चन आया था कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स मेटल परफॉर्म इज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, कितने सालों के लिए बेटा जी यहाँ पे 7 साल में, 56 से लेकर 63, इतने साल तक उसने काम किया था, मतलब उसने केवल 7 साल तक अपने काम को परफॉर्म किया था ऑन द पी प्लांट। एक या दो दिन का काम नहीं था उसका मेंडल का यहाँ पे, कि एक या दो दिन में किया और खत्म हो गया। उसने एक्चुअली जेनेटिक्स पे काम नहीं किया, उसने जो अपनी हेडलाइन बनाई थी उसका हेडलाइन का नाम था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन द पी प्लांट। उसे खुद नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूं, मैं किस चीज को यहाँ पे बात करूं। उसने ये कहा था कि एक पी प्लांट जो मेरे गार्डन उग रहे हैं उसमें कैसे हाइब्रिड क्रिएट कर सकता हूं। तो उसकी हेडिंग जो थी एक्सपेरिमेंट का उसका नाम भी यही था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन द पी प्लांट। और उसने वही 7 साल तक उस रिजल्ट को किया था और फिर उसने उसको परफॉर्म किया। अब एक पॉइंट आता दिमाग में, सर मेंडल ने जो भी पॉइंट दिए अपने, जो भी उसने डिफरेंट डिफरेंट अपने कंक्लूजन निकाले, वो 7 साल का काम था, तो उसने उस काम को प्रूफ कैसे किया होगा। तो हम एक बात को याद रखना है यहाँ पे, मेंडल ने 3 बातों का हमेशा ध्यान रखा है, 3 चीजें उसने की थी जो कि सबसे यूनिक थी। उन 3 चीजों का आपको याद रखना है, आता है पेपर में कि व्हाट आर द क्राइटेरिया या कैसे उसने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, उस कंडीशंस क्या क्या थे उनकी बातें करते हैं। पहला बेटा जी, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द बायो मैथमेटिक्स इज यूज इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। दोबारा वर्ड को सुनना, पहली बार उसने स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक का यूज, वर्ड का क्या मतलब है, उसने पी प्लांट में क्रॉसिंग किया और देखा कि भाई कितने टोल आए, कितने ड्वार्फ आए, फिर करके देखा, ऐसे उसने बहुत बार करके देखा और फिर हर बार का उसने रिजल्ट को नोट डाउन किया और फिर जो एवरेज निकल के आया वो रेशियो उसने पुट किया था। आपको हमेशा बताया गया 10th क्लास के अंदर कि भाई मोनोहाइब्रिड का रेशियो आता है 3:1, डायहाइब्रिड का रेशियो आता है 9:3:3:2। ये पढ़े हुए वर्ड, ये सुने हुए वर्ड आप लोगों ने, इसलिए मैं इनकी बातें कर रहा हूं यहां पर आपके साथ में, ये सब आपने सुने। बट ये सब चीजें उसने ऐसा नहीं कि एक्यूरेट 3:1 आता है या 9:3, एक एक्यूरेट रिजल्ट है, ये एक एवरेज है, ये एक स्टैटिक्स वर्ड, ये एक आपका मीन निकाल के बताया गया था कि ये कैसे कैसे चीजें आती, तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। ऑन एवरेज डिफरेंट प्लांट पे जब काम किया उसने ऑन एवरेज बताया कि भाई ऐसे कुछ रेशियो आते हैं। तो पहला वर्ड मैंने बोला यूज ऑफ द मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, पहली बार क्या क्या गया वहां पे, स्टैटिकल एनालिसिस क्या गया, पूरा उसे एनालाइज किया गया, उसके एक मीन निकाला गया, एवरेज निकाल के उसने रेशियो को पुट किया था यहां। दूसरी बात, उसने कंफर्म कैसे किया कि मैं जो कर रहा हूं वो सही भी है नहीं है, तो उसने अपना सैंपल का जो साइज रखा वो एक या दो प्लांट पे काम नहीं किया, उसने एक लार्ज सैंपल का साइज रखा। आते एक या दो नंबर में क्वेश्चन आपका यहां पे, सैंपल साइज लार्ज होने का रीजन क्या था, सैंपल साइज का मतलब क्या है यहां पे, उसने जो काम किया वो एक या दो प्लांट पे किया पीके या 5-10 पे किया उसने, तो उसने अपना सैंपल का साइज रखा तो बहुत ही बड़ा रखा, उसका रीजन क्या था यहां पे उसको समझिएगा यहां पे। ये उसे देता है ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा, वो जो रेशियो लेके आ रहा है वो रेशियो उसने एक या दो प्लांट पे नहीं है, वो अगर सोचो वही काम उसने हजारों प्लांट पे किया, उसने 7 साल तक काम किया, कितने साल तक, 7 साल तक काम किया और वही रिजल्ट बार बार आ रहा है, तो ये उसके डाटा को कंफर्म करता है यस जो आप कर रहे हो वो कोई तुक्केबाजी नहीं है, वो एक या दो प्लांट में ऐसा नहीं है, एक्चुअली इनहेरिटेंस ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करेक्टर आगे ट्रांसफर होते हैं। उसने इन चीजों को पूरा क्रेडिट दिया था, कैसे मिले भाई यहाँ पे, उसने उसी डाटा को कंफर्म करने के लिए अपने सैंपल का जो साइज रखा, एक या दो प्लांट बहुत सारे प्लांट उसने परफॉर्म करके दिखा, उसका सैंपल का साइज क्या था बहुत ही बड़ा। अगला वर्ड आता है, उसने अपने रिजल्ट को कंफर्म भी किया, कैसे कंफर्म किया, उसने एक जनरेशन नहीं, उसने सेवरल जनरेशन तक, मैंने वर्ड बोला उसने अपने काम को एक या दो नहीं सेवरल जनरेशन तक रिपीट करवा के देखा कि भाई ये पेरेंट प्लांट था, इसका बच्चा ही आया, फिर उनकी सेल्फिंग की, फिर उनका बच्चा ही आया, फिर उनकी सेल्फिंग की, फिर उनका बच्चा है उनकी, ऐसे उसने सेवरल जनरेशन तक देखा कैसे इनहेरिटेंस होता है जीन्स का, एक या दो में नहीं सेवरल जनरेशन तक किया। तो मैंने कहा उसमें 3 चीजें बहुत ही अच्छी यूज हुई थी, 3 चीजों को उसने ध्यान रखा। पहली चीज बेटा जी यहाँ पे आपका, पहली बार यूज किया गया उसने मैथमेटिक्स को इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी, पहली बार उसने काम को अच्छा प्रूफ रखने के लिए उसने सैंपल का साइज क्या रखा, क्वाइट यहाँ पे बड़ा रखा, एंड द थर्ड वर्ड उसने अपने काम को कंफर्म करने के लिए बेटा जी यहाँ पे अपना जो भी रिजल्ट आ रहा उसको नोट डाउन किया, एक नहीं 7 साल तक उस काम को नोट डाउन करता रहा और फिर जाकर उसने लास्ट में कहा यहाँ पे कि यस ये मेरा कुछ रिजल्ट आया, ये मेरे कुछ कंक्लूजन आए, एक या दो दिन का नहीं बहुत बड़ा काम था, 7 साल का काम था। फिर दोबारा बोल रहा हूं 7 साल का काम था और ये 3 बातें की यहाँ पे। अब एक छोटे टॉपिक की और बातें कर लेते हैं, जीन सिंबल। आप जब जेनेटिक्स में जीन का सिंबल बनाओगे, फैक्टर का सिंबल जब बनाओगे तो वो सिंबल क्या बनाओगे, तो जरा वर्ड को देखें यहां पे, जो भी करैक्टर है उसमें 2 ट्रेट या तो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, तो मैं कहूंगा जो भी डोमिनेंट करैक्टर है मैं उसके फर्स्ट अल्फाबेट को यूज करूंगा। दोबारा वर्ड को बोलता हूं, जो भी आपका करैक्टर है उसके डोमिनेंट ट्रेट के मैं फर्स्ट अल्फाबेट का यूज करूंगा।
दोबारा सुनिएगा, जो भी करेक्टर है मैं उसके डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट अल्फाबेट यूज करूंगा, अगर मैं उसे लिखता हूं कैपिटल में तो वो इंडिकेट करेगा बेटा जी डोमिनेंट को, और अगर मैं उसे लिखता हूं स्मॉल में तो वो इंडिकेट करेगा बेटा जी यहां पे रिसेसिव को। ऐसे ही मैंने बोला शेप ऑफ द सीड, आपने कहा सर राउंड है डोमिनेंट, देखो यहां पे राउंड क्या है डोमिनेंट है, तो मैं आर बोलूंगा फॉर द डोमिनेंट जीन, एंड जब मैं स्मॉल आर लिखूंगा इंडिकेट करेगा बेटा जी आपके रिसेसिव को। ऐसे में कहूंगा फ्लावर पोजिशन, तो आप ही कहोगे सर ए यूज फॉर द एक्सियल एंड स्मॉल ए यूज फॉर द टर्मिनल। आपने कह दिया सर यहां पे पॉड की शेप के लिए, तो मैं कहूंगा कैपिटल आई एंड द स्मॉल आई। ऐसे सब आपको जीन यूज करने सिंपल यहां पे, ऐसा उसमें सब बातें हमें आ जाए तो आपको ये सब बातें लिखनी है यहां पे, कि जब मैं आगे लिखूं यहां पे जब क्रॉस कर करके दिखाऊं तो जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा कैपिटल स्मॉल तब समझ जाना जहां जहां मैं कैपिटल लिख रहा हूं वो क्या डोमिनेंट है स्मॉल टे लिखो रिसेसिव। ये सब टर्मिनोलॉजी को हमें यूज करना है, ये सब क्यों पीरियड का क्या क्या उसने किया था, पीरियड का क्या क्या करेक्टर यूज किया उसने उनकी बातें आपको याद रखनी है। ये तीन पॉइंट याद रखने की, पहले बार उसने मैथमेटिक्स का यूज किया सैंपल का साइज बड़ा था यहाँ पे और उसने रिजल्ट को कंफर्म किया जनरेशन के यहाँ पे, ये सब हमारा एक प्रकार से पूरा भार की बाउंड लाइन तैयार हो गई है। अब हम बातें करेंगे मेंडल ने जो इनहेरिटेंस किया उस वन जीन का कैसे करके दिखाया, सेकंड जीन का कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज उसने की थी, अब हम उसके एक्सपेरिमेंट में घुसने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो मैं उसमें बातें करूंगा यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन, पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो मैंने अब तक तीन लेक्चर में आपको बताया उन सबको एक बार अच्छे से देख लो यहाँ पे, क्योंकि अब उन सब चीजों का यूज होने वाला है। मेनली मैं कहूंगा टर्मोलॉजी को अच्छे से देख के आना, इन सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से देख के आना, मेंडल का वर्क फॉर द 7 ईयर था, और तीन बातें याद रखना। मैं अगले टॉपिक बातें करूंगा इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल जीन उसके बारे में क्या था। ओके थैंक यू।